मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एक ऐसी योजना जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी कोरोना के चलते बेरोजगारी का आलम था, लेकिन मनरेगा ने ग्रामीणों को रोजगार के धागे से बांधे रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि कोरोना काल में भी जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिलाने में छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे देश में नंबर वन रहा। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राज्य में मनरेगा से जुड़े कार्यों में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ और ग्रामीण कामगारों को जोड़ा गया। ग्रामीणों को रोजगार देने में नक्सल प्रभावित जिलों ने अच्छा काम किया है। प्रदेश में लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक रोजगार देने वाले पहले 5 जिले बस्तर संभाग के हैं। प्रदेश के 10 जिलों ने इस वर्ष के लिए स्वीकृत लेबर बजट का 70% से अधिक काम पूर्ण कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी। प्रदेश में वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को भी मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में काम दिया जा रहा है। अब तक ऐसे 19,799 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल वन अधिकारी पट्टाधारी परिवारों को अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 23% से अधिक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने, व्यापक स्तर पर मनरेगा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को महज 2 साल हुए हैं, लेकिन इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ कई मामलों में देश में आगे रहा। इनमें मनरेगा की सफलता ने भी छत्तीसगढ़ को पूरे देश में नई पहचान दिलाई। अब आलम यह है कि अन्य राज्यों के मंत्री नेता भी छत्तीसगढ़ में संचालित योजनाओं को जानने और उसे समझने के लिए प्रदेश आ पहुंचते हैं। TCP 24 न्यूज़ रायपुर।